वेलकम बैक टू गाइस माय न्यू व्लॉग। तो मेरे पीछे की तरफ है मथुरा का गवर्नमेंट म्यूजियम। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को मथुरा का गवर्नमेंट म्यूजियम और काफ़ी बड़ा मार्केट दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट, अगर आप मथुरा वृंदावन आओ या कोई शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो तो मथुरा के गवर्नमेंट म्यूजियम आ जाना। उस तरफ आप लोगों को शॉपिंग करने के लिए काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगे। तो ये है म्यूजियम का बाउंड्री, बिल्कुल लाल लाल सा है। तो चलिए, इस म्यूजियम का नाम है बुद्ध म्यूजियम। देखिए, कुछ इस तरीके से म्यूजियम है। अभी हम अंदर भी जाने वाले हैं, इसके पिछले गेट में खड़े हैं। तो जो म्यूजियम का जो प्राइस है, टिकट प्राइस वो है 5 रुपये, और इसका जो मंडे को ये क्लोज रहता है, और इसकी जो ओपनिंग टाइम है वो सुबह 10:30 बजे ओपन होता है और शाम के 4:30 बजे क्लोज हो जाता है। तो चलिए, मैं अंदर जाके आप लोगों को एक बार म्यूजियम दिखाता हूँ किस तरीके से है। फिलहाल दोस्तों, हम आ चुके हैं मथुरा के म्यूजियम में। तो आप देख सकते हो, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, राजकीय संग्रहालय मथुरा। तो चलिए चलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, ये मार्ग है बिल्कुल खाली खाली है। वैसे तो अगर आप आओ किसी टाइम में, ये जितना भी म्यूजियम है वो सभी खुला रहता है, लेकिन अब पता नहीं काम चलने के कारण यहाँ पर काफ़ी हज़ारों की संख्या में शॉप्स लगती हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं, यहाँ अंदर देखते हैं चल के। तो ये है म्यूजियम दोस्तों, ये है म्यूजियम का गेट। और इस तरफ काफ़ी सारे मार्केट लगते थे पहले के टाइम पे, लेकिन अब नहीं है। ये देख लीजिए एक बार, कुछ इस तरीके से है। इस समय, पहले के समय जब हम आया करते थे उस समय यहाँ मार्केट भी लगता था। तो चलिए अंदर जाके हम एंट्री टिकट कटवाते हैं अपना। तो दोस्तों, फिलहाल हम म्यूजियम के अंदर एंटर कर चुके हैं, लेकिन म्यूजियम के अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने जितना भी वीडियो बनाया है थोड़ा बहुत आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। तो यहाँ मूर्ति, काफ़ी पुरानी प्राचीन मूर्ति रखी हुई है, कम से कम 5,000 साल 10,000 साल पुरानी, जब मथुरा शहर बसा नहीं था। ये जितने भी आप लोगों को मूर्तियाँ दिख रही हैं, जब भी मथुरा शहर बसा नहीं था उससे पहले की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। जितने भी मूर्तियाँ हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो गौतम बुद्ध के ऊपर ही ये म्यूजियम है। गौतम बुद्ध के काफ़ी सारे प्राचीन मूर्तियां थी। इसमें ये भी दिखाया गया किस तरीके से पुराने ज़माने में खाना बनाया जाता था। और ये जो जितना भी मूर्ति है कहीं बाहर से नहीं लाया गया है, बल्कि मथुरा में अंग्रेजों के टाइम पे जब कार्य काम चल रहा था उस समय काफ़ी एक एक करके काफ़ी सारे मूर्तियाँ निकाली गई। तो उस मूर्ति को देखते हुए अंग्रेजों ने यहाँ पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय म्यूजियम मथुरा में खोल दिया। तो यहाँ जितने भी आप जितना मूर्ति स्टैचू वगैरह जितना भी कुछ देख रहे हो, ये सभी अंग्रेजों के समय में ये बना हुआ था और खुदाई के टाइम पे निकाला गया था। तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जितना हो सके उतना तो वीडियो शूट कर लिया। तो देख सकते हो, कुछ अगर आप मथुरा वृंदावन आओ तो आप इस म्यूजियम में जरूर आना। बौद्ध धर्म के लिए देखने के लिए काफ़ी सारे मस्त मस्त चीज़ें, जिनको नॉलेज ज़्यादा है वो लोग ज़्यादा आए बिना। वैसे ही काफ़ी सारे प्राचीन मूर्तियाँ वगैरह हैं यहाँ। तो दोस्तों, मेरे पीछे की तरफ है बुद्ध का फोटो, कितना बड़ा स्टैचू बनाया गया है। अब मैं यहाँ से और जगह जा रहा हूँ मथुरा वृंदावन दिखाने के लिए। फिलहाल काफ़ी अच्छा मेरा जो एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, आज तक ज़िंदगी में कभी किसी म्यूजियम में नहीं गया हूँ,
फर्स्ट टाइम मथुरा म्यूजियम में आया हूँ। उसकी जो टिकट प्राइस थी वो 5 रुपये थी ओनली, ज़्यादा कुछ नहीं। 5 रुपये में काफ़ी सारे चीज़ हमको देखने को और सीखने को मिली है। तो ये जो इसका मैंने टाइमिंग वगैरह आप लोगों को बता दिया है, आप ज़रूर आना यहाँ पे, काफ़ी इंजॉय करना, अपने बच्चों को साथ में ज़रूर लाना। तो म्यूजियम के जस्ट बगल में ही है भगत सिंह पार्क, तो आप आओ फैमिली के साथ, यहाँ इंजॉय कीजिए, खाना पीना खाइए और पेड़ की छाया में बैठिए। तो चलिए भगत सिंह पार्क भी देखते हैं क्या है। काफ़ी मस्त पार्क बनाया गया है शाम के समय में, अभी तो काफ़ी ज़्यादा दोपहर है, दोपहर के टाइम में आना सही नहीं रहेगा। वहाँ कुछ झूले वगैरह भी लगाए गए हैं, तो चलिए झूले वगैरह देखते हैं। देख सकते हो डॉग काफ़ी अच्छे पेड़ों के छाई के नीचे सो रहा है, देख सकते हो काफ़ी आराम से नींद में सोया हुआ है। यहाँ फाउंटेन लगा हुआ है, तो चलिए उस फाउंटेन को देखते हैं। अभी तो फिलहाल बंद है शायद, पता नहीं, काफ़ी मस्त फाउंटेन तो मस्त बनाया गया है लेकिन इस समय बंद है। इस पहली बार आया हूँ यहाँ मैं म्यूजियम में, काफ़ी बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए कितना बड़ा फाउंटेन बनाया गया है, एक इस तरफ चारों तरफ फाउंटेन वगैरह है, तो काफ़ी गर्मी है यहाँ, बच्चे वगैरह आके बैठे हुए हैं चारों। तो आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वृंदावन के और भी पार्ट्स आने वाले हैं, उसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।